अमृतसर में हुकुम सिंह नगर के एक घर में चोरों ने धावा बोला। वहां से 15,000 कैश, चांदी के गहने और महंगे 2 लैपटॉप चोरी कर फरार हुए। चोरों ने चोरी इतनी बेरहमी से की कि घर की सारी अलमारियां, बेड ही तोड़ डाले, यहां तक कि एलईडी का सेटअप बॉक्स भी बुरी तरह से तोड़ दिया। आपको बता दें, परिवार 5 दिन के लिए यूपी गया था। जब घर पहुंचा, ताला खोलने के बाद देखा घर का सारा सामान उथल पुथल था, वे टूटे हुए बेड और अलमारियां नजर आईं। फिलहाल परिवार ने पुलिस को शिकायत दे दी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने बताया कि परिवार 5 दिन के लिए यूपी गया था, पीछे से चोर घर में दाखिल होकर कैश, चांदी के गहने, लैपटॉप लेकर फरार हो गए। मंगलवार बुधवार 21 तारीख को रात की हमारी ट्रेन थी यूपी की, बुधवार की रात की। वीरवार सुबह हम वहाँ पहुँच गए हैं, 5 रातें हमने बाहर गुजारी हैं। सोमवार सुबह आज हम 6 बजे वापस घर को जब आए, मैंने अपनी चाबी से घर का गेट खोला। घर का गेट खोलने के बाद मैंने पाया मेरे घर की एक एक चीज़ तोड़ी गई, एक चीज़ तोड़ी गई है, फ्रोली गई है, 3 अलमारियाँ फ्रोली गई, 3-4 सूटकेस थे जिसमें कपड़े पड़े थे वो भी फ्रोले गए, सेटियाँ फ्रोली, सब फ्रोला गया। चोरी, 2 लैपटॉप चोरी हुए हैं, एक एप्पल का लैपटॉप था, दूसरा एसर का जो 1 लाख रुपए का एप्पल का है, दूसरा भी 40-45 हज़ार उसका है, उसमें कैश भी पड़ा था लैपटॉप बैग में। तो और मेरी बच्चे के, हमारी चांदी के मेरे कड़े, मेरी बेटी के कड़े थे, मुंदरियाँ थी मेरी चांदी की, वो सारी गई। जब हमारे बेडों के दराज थे उसमें भी कैश पड़ा था, सामान जो भी छोटी छोटी चीज़ें पड़ी थी वो सारे दराज उल्टे करके वो भी सब कुछ ले गए हैं। 15,000 टोटल मिला के 15,000 रुपया कैश था, 2 लैपटॉप हैं और बाकी चांदी की चीज़ें, बाकी मैंने अभी फ्रोल के इतना देखा नहीं, बाकी सब कुछ तहस नहस है। बेड टूट गए हैं, सेटियाँ भी तोड़ी हैं, अलमारियाँ चिब्बी कर दी, सारी तोड़ दी, दीवार के साथ अटैच थी वो प्रॉपर धक्का लग करके अलमारियाँ बाहर आई हैं, एलईडी उन्होंने निकाली, सेटअप बॉक्स तोड़ के नीचे फेंका हुआ, एलईडी को उन्होंने एक कपड़े में लपेट के ये गेट के पास रखा हुआ था। पुलिस कंप्लेन हमने कर दी है, शिवाला पुलिस में कर दिया, उन्होंने आके एक बार चेक किया। सीसीटीवी कैमरे हमारी गली के दोनों साइडों पे लगे हैं, इधर भी लगे हैं, बाहर मेन एंट्रेंस मेन रोड की तरफ दो तरफ लगे हैं, इधर डॉक्टर साहब की एक कोठी है, उधर भी 2 कैमरे लगे हुए हैं। अभी क्या मांग कर? अब वो फिंगरप्रिंट्स वो ले रहे हैं कि एलईडी वगैरह उन्होंने पकड़ी थी उसके फिंगरप्रिंट्स, गेटों से वो फिंगरप्रिंट्स ले रहे हैं। पुलिस कंप्लेंट कर दी है? हाँ जी, पुलिस आके एक बार सारा चेक कर गई है, देख गई है, वो सीसीटीवी कैमरा है जहाँ लगे थे उनके घर भी एक बार होके आए हैं। वीर ओंकार नाथ के घर सर हुकम सिंह रोड कोठी नंबर 28D गली नंबर 3 हुई। की समान चोरी है, की कार्रवाई की जा रही? सर इन्हें घर इन्हें दस अपने एक इन्हों का परिवार सर यूपी बाहर गया सी, जो घर आया 21 तरीक सर, जो अज 26 तरीक घर वापस आया सवेरे, तो इन्होंने घर का अपना गेट खोल के वेखे, तो इन्हों घर का समान खिलरिया पियागा, तो इन्हें वेख्या मेरे घर के भी 2 लैपटॉप पे से, तो घर के 10-12 हज़ार रुपया से, मेरी बेटी के जेडे चांदी के गहने से कोई अणपछाते व्यक्ति ने चोरी करके लै गए। की सर असी फिंगरप्रिंट की टीम बुलाई हैगी, फिंगरप्रिंट लै रही सर, सीसीटीवी कैमरे जो गलियों के लगे सर उन्होंने सर असी चेक कर रहे सर, तो जो भी सर अगली कार्रवाई जो भी तत् सामने था अगली कार्रवाई मेरे चलती होगी। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।